हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं, हर लाइव का मतलब तमाशा नहीं, खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है। हिंदी का नया 24 घंटे का न्यूज़, जनता की बात जनता के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पंकज और आप देख रहे हैं यूडी न्यूज। जिस प्रकार से अभी हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, ग्राम पंचायत भरसेरा है, शासकीय उचित मूल्य की दुकान, यहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं सभी को राशन नहीं मिल रहा है। जो यहां पर सयाने हैं इनका 4 महीने से राशन नहीं दिया गया है। जिस प्रकार से ये बता रहे हैं, कितने महीने का राशन आपको नहीं दिया गया? 4 महीने बीत गए। जो आपके ये राशन कार्ड है चंद्र प्रताप सिंह के नाम से, और इसमें पीछे साइड लिखा गया है 25 किलो बाकी, वो बाकी क्यों लिखा गया? कि आपका राशन फिंगर लगाया गया था तो फिर बाकी क्यों है? ये जिस प्रकार से 25 किलो बाकी किया गया 16/2/2021 से, मैंने 25 किलो बाकी इनके राशन कार्ड पर लिख के दे दिए हैं, लेकिन अभी उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कोई भी अधिकारी इनको देखने के लिए नहीं पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी पब्लिक की भीड़ लगी हुई है, कितने लोगों की समस्या है। शासकीय उचित मूल्य की दुकान भरसेरा है, यहाँ पर हम कुछ ग्रामीणों से भी बात करेंगे आखिर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, और यहाँ पर दुकान भी बंद है इनका, आखिर हम जानेंगे इनसे क्या है भैया, क्या कहेंगे आप, क्यों बंद है दुकान आपकी? आज 4 दिन से हम लोग बैठे हैं गल्ला के लिए, कोटेदार भाग जाता है, गल्ला देता नहीं है श्रीमान जी, और हम लोग भाई विनती करते हैं तो हुड़की धमकी देता है भाई, जाओ जहाँ शिकायत करना है करो, हमारा क्या होगा। और ये शिकायत हम लोग तमाम कलेक्टर SP सबको, विधायक सांसद को सबको किए, कोई नहीं आया। तो इसमें हम लोग अब यही चाहते हैं कि भाई हम लोगों क्यों नहीं मिलता है सरकारी दुकान, उसके घर के तो है नहीं, सरकार दे रहा है तब ना हम लोग लेने आए हैं। अगर हमको ऐसे में गल्ला ना मिले और हुड़की धमकी दिया जाए, हम लोग जेल के मतलब गरीबत में अगर बैठे रहेंगे तो हम लोगों गरीबों कौन सुनवाई करने वाले हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी पब्लिक मौजूद है और कितने लोगों की समस्याएं हैं, उचित मूल्य की दुकान जो है उस पर ताला लटका हुआ है और सैकड़ों से ज्यादा यहाँ पर लोग भी हैं। और भी लोगों से हम बात करेंगे और दिखाएंगे, क्या कहेंगे भैया आप बताइए। 4 महीने से राशन नहीं मिल रहा यहाँ पर, तो क्या आप लोगों ने कहीं शिकायत भी किया कि हम लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है? क्या इतने लोग जितने भी लोग मौजूद हैं सभी के साथ इसी तरीके से काम हो चल रहा है? जैसे यहाँ पर कुछ ग्रामीण जो बता रहे हैं कि उनके साथ गाली गलौज भी किया जा रहा है, गाली गलौज किया गया, जो उचित मूल्य की दुकान के संचालक है, जो सेल्समैन है, गाली गलौज भी करते हैं, वो लोग भी थोड़ा सा सामने आए, वो भी बता दें कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। कुछ जो यहाँ पर बताएं लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। कितने महीने का राशन नहीं मिला आपको? 4 महीने से नहीं मिला। क्या नाम है आपका? क्या आप लोगों ने कहीं शिकायत वगैरह किया ये दुकान को लेकर? जैसे आज भी हम देख रहे हैं यहाँ पर ताला बंद है और इतनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। हम शिकायत नहीं करे सर। शिकायत नहीं किए तो कितने लोगों से आप लोग यहाँ आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं? न मिलने पर 4-6 दिन हो गए और ऐसे आते हैं अपना काम धंधा बंद करके, जो भी है गरीब है अपना काम धंधा बंद करके यहाँ पर आते हैं और उनको भी राशन नहीं मिल रहा है। आगे भी कैमरामैन दिखाएंगे पूरी कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर, और यहाँ जितने भी लोग हैं सारे लोगों को राशन नहीं दिया जा रहा है। शासन की योजनाओं का दुरुपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ के उचित मूल्य की दुकान के जो संचालक है, शासन की योजनाओं का दुरुपयोग साथ साथ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से हम लगातार जो तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर, जो और भी लोग मौजूद हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि पहले से उनका फिंगर भी लगवाया जा चुका है, यानी राशन उनका जो स्टॉक होता है उचित मूल्य की दुकान का, वो स्टॉक भी उनका खत्म कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर फिंगर पहले से लगवा लिया गया है, राशन नहीं दिया गया है। क्यों ऐसा किया गया? आप लोग फिंगर क्यों लगा देते हैं पहले? कौन क्यों ऐसा होता है, क्या कहेंगे? आप लगाइए कल आइए गल्ला ले लेंगे, यानी पहले आप फिंगर लगा दीजिए इसके बाद में आइए तो गल्ला ले जाइए, ऐसा बोल के सर क्या ऐसे कई लोगों सभी लोगों के साथ ऐसा ही किया जा रहा है यहाँ पर? सभी लोगों का फिंगर यहाँ पर लगाया गया पहले से, यानी स्टॉक भी उनका खत्म ही हो गया होगा। जिस प्रकार से यहाँ पर लोग बता रहे हैं उसके हिसाब से समझा जाए तो उचित मूल्य दुकान के जो संचालक है उनकी दबंगई साफ साफ नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ सैकड़ों लोग से भी ज्यादा यहाँ पर मौजूद है। कुछ सयाने भी है, हम इनसे ही बात करेंगे। भैया आप बताइए। हम 3-4 रोज से आदमी आ रहा है और आते हैं, एक आध घंटा खोलते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, भीड़ लग जाता है, गल्ला सभी चाहिए,
गल्ला सड़ी चाहिए, चार चार महीना, तीन तीन महीना, दो दो महीना। कितने महीने से राशन नहीं मिला है आप लोगों को? राशन उसे मिलता है हर महीना में, तो सब आदमी को नहीं मिल पाता है। यानी कुछ लोगों को देख के कुछ लोगों का टेंशन लगवा लेते हैं, पहले से उनका राशन कट गया और दिया नहीं जाता, दिया नहीं जाता है। ये चल रहा है जिस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे यहाँ की कहानी, जिस प्रकार शासकीय उचित मूल्य की दुकान भरसेरा है, सिरौली से महज 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर है यह जिला मुख्यालय से, और यहाँ पर आज भी देखेंगे सैकड़ों की तादाद पर लोग मौजूद हैं और यहाँ पर ताला लटका हुआ नजर आ रहा है। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहे यूडी न्यूज के साथ।